गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है, इसमें इन्फॉर्मेशन है। अगर आप बाकू ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे आप आते हैं तो क्या आपको करना चाहिए और किस चीज़ से आपको बचना चाहिए और यहाँ के स्कैम्स, तो उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। पूरी वीडियो आप देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले अगर आप इधर आते हैं तो आपको टैक्सी यूज़ करनी पड़ेगी। टैक्सी के लिए आपने एक बोल्ट ऐप है वो डाउनलोड कर लेंगे, बोल्ट या उबर। तो वो उसमें क्या है, आपको फर्स्ट 5 ट्रिप्स जो हैं वो उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप फिर, वैसे तो नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे जो टैक्सी फेयर बोल्ट का और उबर का, वो आपको 50% मिलेगा। अभी मैं जैसे ट्रैवल कर रहा था, कहीं पे 3 मन्नत है, 4 मन्नत है, तो मुझे 1 या 2 मन्नत ही पे करने पड़े फर्स्ट 5 ट्रिप्स। तो फर्स्ट 5 ट्रिप्स आप बोल्ट के यूज़ कर लें और उबर में सिर्फ आपको 1 ट्रिप पे 50% ऑफ है। तो अगर आप कहीं पे भी लोकल टैक्सी यूज़ करते हैं तो जो बोल्ट वाला आपसे मांग रहा है 3 मन्नत 4 मन्नत, वही आपको लोकल टैक्सी वाला 10 मिनट चार्ज करेगा। और कई दफ़ा वो घुमा फिरा के लेके जाते हैं और वो फिर आपसे बोलेंगे कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा पे करें आप। तो जब भी आप आएँ, ये बोल्ट एप्लीकेशन लाजमी जो है आप इंस्टॉल कर लें, और वो सबसे बेस्ट है, किसी और दूसरी ऑप्शन पे नहीं जाना आप। उसके अलावा यहाँ पे आपको अननोन लोग बहुत अप्रोच करेंगे कि आपको ये रेस्टोरेंट जाना है, आपको पैसे चेंज करने हैं, आपको घूमने के लिए किसी जगह पे जाना है, मगर आपने किसी के साथ नहीं जाना। वो आपको किसी अपनी जगह पे लेके जाएगा और वहाँ पे उसकी कमीशन होगी और सब कुछ होगा, और वो आपको अपनी, मतलब कि आपको खाना कुछ और है और वो आपको अपनी मर्ज़ी से किसी और जगह ले जाएगा, और वहाँ पे जाके आप फंस जाते हैं फिर, कि आपको आइडिया नहीं होता कि ये क्या होने वाला है। वो आप उसके साथ चले जाएंगे और वो जो है ना, एक तरह की लूटने वाली बात है। ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और एयरपोर्ट से अगर आ रहे हैं तो आप बस और टैक्सी यूज़ करें, वो बहुत बस यूज़ करें और मेट्रो यूज़ करें, वो बहुत सस्ती है। यहाँ पे एक ही रेट है और सब स्टेशन किसी पे भी चले जाएं आपको सेम फेयर ही है वहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आप ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि ये टूरिस्ट हैं, तो टूरिस्ट होने की वजह से वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। एक वाटर बॉटल अगर 0.5 मन्नत की है, वो आपको 2-3 मन्नत बोल देगा। तो आपने क्या करना है, आपने उसको ये बोलना है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है रहने दो, मैं दूसरी जगह से लेता हूँ, इससे कम प्राइस में मुझे दूसरी जगह पे मिल रहा है। तो वो साथ ही उसी टाइम पे बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, इतने पैसे दे दो। तो इसलिए आपको हर जगह पे कहीं पे भी जा रहे हैं ना, तो कोई भी आपको कोई प्राइस बता रहा है, आपने उससे कम प्राइस ही बोल लिया उसको, बेशक आपको उसका पता है या नहीं पता, क्योंकि ये इनको पता होता है कौन टूरिस्ट हैं, बाहर से हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स के अलावा एक्सपेक्ट्स बहुत कम है, तो इसीलिए इनको पता है ये टूरिस्ट हैं और उसी टाइम पे फिर वो लूटने की कोशिश करते हैं आपको। और टैक्सी में आपको ये स्कैम भी आता है कि आपको फ्री टैक्सी आपको यहाँ पे जाना है तो आपको फ्री टैक्सी, उसमें क्या हो जाता है, ये आपको ले तो जाएगा वहाँ पे, मगर वो रेस्टोरेंट में अपनी मर्ज़ी से लेके जाएगा आपको किसी ना किसी। आपने अगर उसको बोल दिया हो कि मुझे इंडियन रेस्टोरेंट में जाना है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाना है, या मुझे लोकल खाना खाना है, तो वो अपनी मर्ज़ी के रेस्टोरेंट में ले जाएगा और वहाँ पर फिर वो अपनी कमीशन लेगा। वो एक्चुअली फ्री नहीं है, उसको वहाँ से पैसे मिलते हैं, मगर उसमें भी आपने ट्रैवल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक निज़ामी स्ट्रीट है, बहुत फेमस है, उसमें क्लब्स और नाइट लाइफ वो सब, आप रात को 2 बजे चले जाएँ, 3 बजे चले जाएँ, आपको वहाँ पे रश मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम है, वहाँ पे आपको जो है लड़के भी अप्रोच करेंगे, आपको क्लब जाना है, वो आपको बोलेंगे क्लब जाना है, क्लब ले जाएंगे आपको वहाँ पे। अगर तो एंट्री फ़ीस होगी, कुछ में ऐसे भी होता है कि ऐसे स्कैम भी हैं कि वो एंट्री फ़ी आपसे ले लेंगे और वो पैसे वो इस बंदे को देंगे जो ये आपको लेके जा रहे हैं, मगर वो कोई अच्छा नहीं होगा, वो सिर्फ आपको अपनी चॉइस की जगह पे लेके जाएगा। जैसे आपको अननोन लोग अप्रोच करते हैं खाने के लिए और ऐसे, तो ये निज़ामी स्ट्रीट में क्लब के लिए भी यही होता है।
उसके अलावा ये स्कैम भी होता है, कोई आपको लेके जाएगा, अच्छा ठीक है ये क्लब बहुत अच्छा है, वहाँ पे ऐसा है ये डांस वो सब, तो आप उसके साथ जो है ना चले जाओगे, वहाँ पे जाके आपको बिठाएगा, ठीक है आप बड़ी खुशी खुशी बैठ जाओगे, ठीक है वो हो बड़ा अच्छा है डांस हो रहा है, थोड़ी देर बाद दो तीन लड़कियाँ आपके साथ आके बैठ जाएंगी, आप बड़े खुश हो जाओगे, ओ हो क्या बात है ये तो बड़ा सीन हो गया ऐसा। तो उसके बाद साथ ही टेबल पे ऐसे ड्रिंक्स और नट्स ये वो सब ऐसे आ जाएंगे, तो आप तब आप परेशान होंगे कि ये तो मैंने ऑर्डर किया नहीं तो ये कैसे आ गया, एक्चुअली वो आपने ऑर्डर नहीं किया, वो जो साथ आपकी लड़कियाँ बैठी हैं वो भी उनके साथ ही मिली होती हैं क्लब वालों के साथ, और वो आपको ये सब खाना ऐसा सर्व कर देंगे। तो आप जब लेके आ गए तो आप समझें कि आप फंस गए वहाँ पे, और उसके बाद अगर आप वहाँ से उठने की कोशिश करोगे साथ ही वो आ जाएंगे, और उन्होंने बाउंसर्स भी रखे होते हैं ऐसे, और वो आपसे जितने पैसे हैं आपके पास वो सब ले लेंगे, अगर उनका बिल वो पूरा नहीं हो रहा इवन कि वो आपसे क्रेडिट कार्ड भी निकलवाएंगे, और क्रेडिट कार्ड से वो बोलेंगे आप क्रेडिट कार्ड से पे करो, इवन के कुछ क्लब्स ऐसे भी हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे नहीं और दूसरी कंट्रीज़ में भी मैं बताता हूँ उसका, तो वो आपको क्या करेंगे एटीएम कार्ड अगर आपके पास है वो बोलेंगे ठीक है ये पास एटीएम मशीन है आप एटीएम पे चलो हमारे साथ, वो आपसे बाहर जाके एटीएम पे भी निकलवाएंगे, और अगर आप सोचते हैं कि ठीक है हमें पुलिस कंप्लेन करता हूँ पहले तो आपको वो बाहर जाने नहीं देगा, और पुलिस वाले जो है ना वो उनको भी पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, वो भी नहीं कुछ करते, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो आपको बोलेंगे ठीक है आपने इतना खाना आपके टेबल पे आ गया था आप पे करें यहाँ पे, तो वो जितने पैसे हैं वो सब आपसे निकलवा लेंगे वहाँ पे। तो ये आपने लाजमी इसका ध्यान रखना है कि आपने ऐसी जगह पे नहीं जाना, ऐसी जगह पे आपने नहीं जाना। तो लड़कियाँ भी बहुत अप्रोच करेंगी आपको आके निज़ामी स्ट्रीट में, ऐसे आपके साथ साथ चलेंगी आपके पीछे आएंगी, तो और बहुत सी लड़कियाँ ऐसी अप्रोच करेंगी कि वो जैसे कि आपकी दोस्त बन गई है बहुत फ्रेंडली, बट वो ये चीज़ नहीं है, उसमें स्पेशली इंडियन पाकिस्तानी है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हो जाते हैं कि ओहो अच्छा किसी लड़की ने हमें अप्रोच कर लिया हो, तो हम तो खुश हो जाते हैं कि ये तो यहाँ पर तो ऐसा सीन है, तो मगर वो आपको लूटने के लिए ही आई है, कोई भी यहाँ पे किसी के पास ऐसा नहीं है कि वो आपके पास आसानी से आ जाए और आपसे बात कर ले, वो आपसे बैठेगी 10 मिनट बैठेगी बात करेगी अच्छा बोलेगी अच्छा चलो ठीक है कॉफ़ी पीने चलते हैं चाय पीने चलते हैं, तो वो आपको ले जाएगी रेस्टोरेंट में और वहाँ पे वो फिर आपको लूटेंगे। तो किसी भी अननोन लड़की के साथ भी आपको नहीं जाना, अगर कोई भी आपको अप्रोच करती है तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। तो ऐसे स्कैम्स यहाँ पे बहुत हैं, आपको आप ओवरऑल अगर देखें तो आप अननोन किसी बंदे की भी आपको बात नहीं माननी, वरना आप जो हैं लूट जाएंगे, आपके पास जितने पैसे हैं सब के सब जो हैं वेस्ट हो जाएंगे। अभी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत बताने वाली, मगर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और पता नहीं मे भी शायद आप भी बोर हो जाएं देख के, तो इसलिए अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं आपको जो है ना बताऊंगा। इस और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ऐसे जो मैं शेयर कर सकूँ, मगर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो और अगर आपको बाकी से रिलेटेड ट्रैवल से रिलेटेड और जहाँ पर जो भी देखने वाला है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे मैंने बाकू की गबाला और यहाँ पे जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उसकी वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, तो और वहाँ के टिकट कितनी हैं आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं वो सब मैंने इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई, तो आप वो ज़रूर जाके देखें। तो और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ और ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पे मिलेंगे कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।